सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर आपको न्यूज 18 इंडिया पे बता रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। जी हाँ, 57 मीटर की बात हो रही थी और बताया जा रहा है कि 57 मीटर तक ड्रिल हो गया है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एम्बुलेंसेस की प्लेसमेंट शुरू हो गई है। तकरीबन 5 एम्बुलेंसेस यहाँ नजर आ रही है, 3 एम्बुलेंसेस को पीछे की तरफ भेजा और एक एक करके देख रहे हैं आप एम्बुलेंसेस के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये 11वीं 12वीं 13वीं और साथ ही साथ 15 एम्बुलेंसेस जितनी मैं गिन पा रही हूँ, 15 एम्बुलेंसेस अभी स्पॉट पर पहुंच रही है। ये बड़ी खबर है, सोर्सेस के हवाले से ब्रेक थ्रू मिल गया है, यानी कि पाइप आर पार हो गया है। अभी क्या सेफ्टी के लिए और पाइप डाला जाएगा इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन तैयारियां देखकर ये साफ है कि ब्रेक थ्रू हो गया है। यहाँ पर आप देखें 15 के लगभग एम्बुलेंसेस तैयार आ चुकी है इनको प्लेस। और ये तस्वीर देखिए, ये टनल के सामने पहुंच चुकी है एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस और इस वक्त की एक बेहद मारने पर तुल जाते हैं। दावा किया जाता है कि आतंकी कामयाबी से पूरा जिस तरीके से ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, खुदाई का काम कंप्लीट लगभग हो चुका है और ये एक बड़ी खबर की जो काम किया जाना था ये पूरा हो चुका है। एम्बुलेंस पहुंच चुकी है, टनल में एम्बुलेंस दाखिल होती हुई, ये तस्वीर देखिए। टनल के भीतर स्ट्रेचर पहले ही पहुंचा दिए गए थे, डॉक्टर्स पहले से मौजूद हैं, एम्बुलेंस में भी डॉक्टर्स की मौजूदगी है और ये टनल में अब ये रिवर्स गियर से एम्बुलेंस भीतर जाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ये कि अब वो जो काम था खुदाई का वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर ये है कि जिस कामयाबी की उम्मीद की जा रही थी वो काम अब लगभग पूरा हो गया है और इसीलिए यहाँ एम्बुलेंस तैयार कर ली गई है, क्योंकि किसी भी क्षण ये आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि ये काम पूरा हो चुका है और इसीलिए एम्बुलेंस यहाँ टनल के बाहर तैनात। और टनल के भीतर अब एक एक कर एम्बुलेंस दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। जो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम और एम्बुलेंस के साथ टनल के भीतर दाखिल होती हुई और एक एक कर तमाम एम्बुलेंसेज अब यहाँ पर टनल के बाहर लाकर लगाई जा रही है। एनडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण की ओर है। एम्बुलेंस एक एक करके जाते हुए और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, अब ये एक एम्बुलेंस टनल के भीतर दाखिल हो गई थी, लगातार गाड़ियों को रिवर्स एम्बुलेंस को रिवर्स कर दिया गया है, यानी अब रिवर्स गियर में ये एम्बुलेंस टनल के भीतर जाएगी ताकि बगैर किसी बाधा के वो सीधे बाहर निकल सके। रास्ता एकदम साफ बना दिया गया है एम्बुलेंसेस को जो बड़ी तादाद में है, इस टनल से कुछ दूरी पर बाहर पार्क कर दी गई थी। ये 40 एम्बुलेंस एक एक करके अब टनल के नजदीक पहुंचती हुई, हालांकि यहाँ बिल्कुल उतनी जगह नहीं है, इसलिए टनल के ऊपर जहाँ पर की वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी था जिसे रोक दिया गया है, उस रास्ते पर अब ले जाकर इन तमाम एम्बुलेंस को पार्क किया जा रहा है। लेकिन कुछ एम्बुलेंस लगातार अब टनल के पास लगा दी गई है, एक एम्बुलेंस गई है, डॉक्टर्स गए हैं, स्पेशलिस्ट अंदर गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है उन तमाम 41 फंसे हुए मजदूरों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा, और उसी लिहाज से यहाँ पर अब ये एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, डॉक्टर्स की मौजूदगी है। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव की ओर है।